तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी कोड यूज कर रहे हो, उस कोड का कोई भी पार्ट अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप उस कोड के पार्ट को हाइड कर सकते हो। अगर आप उस कोड के पार्ट को हाइड कर दोगे तो कोई भी उस पार्ट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, उस पार्ट को रीड नहीं कर पाएगा। तो कोई भी प्रोग्राम के पार्ट को हम हाइड कैसे कर सकते हैं? तो हाइड करने के लिए हम यूज करते हैं डबल अंडरस्कोर मेथड की हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम के पार्ट को हाइड कर सकते हैं। कैसे हाइड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक लॉगिन नाम की क्लास बनी हुई है, तो लॉगिन के अंदर इंफॉर्मेशन हो सकती है यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड जो कि इम्पोर्टेंट आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर कोई एप्लीकेशन है, कोई भी वेबसाइट है, वहाँ पे एडमिन पैनल होता है। अगर एडमिन ने अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही हैंडल कर सकता है, जो कि इंफॉर्मेशन बाकी सब नहीं देख सकते हैं, नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो अगर किसी को एडमिन का पासवर्ड यूजर नेम पता चल जाए तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पे कुछ जब भी वेबसाइट बनती है या फिर एप्लीकेशन आपकी बनती है, तब प्रोग्राम के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया जाता है ताकि वो प्रोग्राम जो है कोई और हैंडल ना कर ले, कोई और एक्सेस ना कर ले। तो कैसे उसको प्राइवेट किया जाता है? तो पाइथन के अंदर हम यूज करेंगे एनकैप्सुलेशन का मेथड। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। इसके अंदर सबसे पहला जो हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका डिफॉल्ट वाला मेथड। तो डिफॉल्ट का मतलब मैं इसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट पहले से डिफाइन नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ले रही हूँ। तो पहला मेरा हो जाएगा यूजर नेम। तो यूजर नेम मैंने यहाँ पे फिक्स यहाँ पे एक दे दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेती हूँ। तो ये मेरा यूजर नेम है और ये मेरा पासवर्ड है। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे हमने पासवर्ड को डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद हम देखो, कभी भी आपका जो लॉगिन वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं होती है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अब इस इंफॉर्मेशन को कोई भी बाहर से एक्सेस कर सकता है। कैसे? जैसे कि हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। आपका सेम जो क्लास का जो नेम है वो मैं एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगी और एक ब्रैकेट लगा दूंगी, तो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर अगर मुझे यूजर नेम देखना है, मैंने यूजर नेम को रन किया, मैं इसको प्रिंट करूंगी। सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे या फिर विदाउट यहाँ पे लिखते हैं a.info। अब इसके बाद हम प्रिंट करते हैं यूजर नेम को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a.username। अब इसको रन करेंगे तो देख सकते हो मुझे यूजर नेम मिल रहा है। मतलब ये समझ लो कि ये तो एडमिन है और ये हम लोग हैं। अगर उसने वेबसाइट एक्सेस कर दी तो मैं वेबसाइट के अंदर जानने की कोशिश कर रही हूँ कि यूजर नेम या पासवर्ड क्या है उसका, और मुझे मिल पा रहा है उसका यूजर नेम पासवर्ड, क्योंकि उसने अपना यूजर नेम हाइड नहीं किया। अगर उसने हाइड नहीं किया है तो वो इंफॉर्मेशन कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। और यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब इसके बाद अगर मैं पासवर्ड को प्रिंट करूंगी तो मेरा पासवर्ड भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो पासवर्ड भी मेरा प्रिंट हो चुका है। जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद अगर मुझे इंफॉर्मेशन, जैसे कि जो भी पासवर्ड है वो कोई भी ना देख पाए, उसको हम एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट करनी है तो डॉट के बाद आपको लगा देना है डबल अंडरस्कोर।
अब डबल अंडरस्कोर का मतलब ही होता है कि आप उस वेरिएबल को, उस एट्रीब्यूट को आप कर रहे हैं प्राइवेट। जहां पर भी आप डबल अंडरस्कोर लगा देंगे वो इंफॉर्मेशन आपकी सिक्योर हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आपको लग रहा होगा शायद ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल में नहीं काउंट हो रहा है। सिंगल अंडरस्कोर आप यूज करेंगे तो वेरिएबल समझेगा ये, लेकिन जैसे ही आप डबल अंडरस्कोर लगा देंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा और ये बन जाएगा एक एनकैप्सुलेशन का मेथड। हम इसको रन करते हैं। अब देखिए बोल रहा है ये कि लॉग इन एट्रीब्यूट के बाद पासवर्ड नाम का कोई मेथड ही नहीं। इसने क्या बोला, इसने बोल दिया कि मेरे पास ये मेथड ही नहीं है, इसके अंदर ये मेथड ही डिफाइंड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर मेथड डिफाइंड है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये वेरिएबल है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे तो भी ये मुझे रिजल्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि डबल अंडरस्कोर इसको वेरिएबल नहीं बना रहा है, इसको डबल अंडरस्कोर बना रहा है प्राइवेट, कि ये इंफॉर्मेशन बाहर से कोई और एक्सेस ना कर सके। अब देखिए यहाँ पे डबल अंडरस्कोर अगर लग रहा है तो ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की प्राइवेट हो चुकी है। अब एक क्लास के अंदर क्या डिस्कशंस चल रहे हैं, एक क्लास के अंदर क्या बातें चल रही हैं, वो क्लास में सभी को पता होगी। लेकिन क्लास के बाहर से अगर कोई ये जानना चाहता है कि क्या डिस्कशन चल रहा है क्लास के अंदर, क्या बातें चल रही हैं, तो वो क्लास के बाहर वाले लोगों को पता नहीं होगी। तो सेम कि अगर मैंने इसको प्राइवेट किया है तो ये प्राइवेट बाहर वाले लोगों के लिए, ये अंदर वाले के लिए प्राइवेट नहीं है। अगर मुझे इस मेथड को यूज करना है कहीं भी, अगर मुझे इस मेथड को यूज करना है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। मुझे दूसरे फंक्शन में अप्लाई करना है, मुझे दूसरे फंक्शन में प्रिंट करवाना है, मुझे अंदर किसी और में अप्लाई करना है पासवर्ड को, तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ। ये प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ बाहर वालों के लिए। जैसे ही फंक्शन के बाहर निकले, बाहर से कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही फंक्शन के अंदर जाएंगे तो फंक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। इसको प्रिंट कर सकती हूँ मैं, अगर मैं इसको अंदर से प्रिंट करना चाहती हूँ तो मैं इसको कॉपी करूंगी और प्रिंट करूंगी। तो अंदर अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया हुआ है तो ये मुझे रिजल्ट में प्रिंट करके देगा, देख सकते हो। लेकिन बाहर से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है। अंदर से इसको एक्सेस कर सकते हैं लेकिन बाहर से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं यूजर नेम को एक्सेस करने की कोशिश करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी यूजर नेम और प्रिंट करूंगी, तो देख सकते हैं यूजर नेम मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है और पासवर्ड मुझे अंदर से मिल रहा है। तो हम इसको हटा देंगे स्टेटमेंट को, तो हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूजर नेम मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। ये जो यूजर नेम है मैंने बाहर से एक्सेस किया, मुझे प्रिंट होकर मिला। लेकिन अगर इसको प्राइवेट बनाना चाहते हो तो इसके आगे भी आप डबल अंडरस्कोर लगा दोगे। कहाँ पे लगाना है, जिसको भी प्राइवेट कर रहे हो उसके आगे लगाना है, पीछे लगाओगे तो वो वेरिएबल बनेगा, प्राइवेट नहीं होगा। तो जहां पर भी एक्सेस, यहाँ पे भी प्राइवेट करना चाहते हो, डबल अंडरस्कोर लगाओगे यहाँ पे और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी प्राइवेट हो जाएगी। जिस भी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट करना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट हो जाएगी, आप डॉट लगा के डबल अंडरस्कोर यूज करोगे। अब यहाँ पे तो हमने एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर दिया कि बाहर से कोई भी इसको यूज ना कर सके। अगर मुझे फंक्शंस को ही प्राइवेट करना है, जो ये फंक्शन है मेरा लॉगिन नाम का फंक्शन, अगर मुझे इस फंक्शन को ही प्राइवेट करना हो तो हम, सॉरी, इन्फो नाम का जो फंक्शन है, अगर मुझे इस फंक्शन को ही प्राइवेट करना है तो फंक्शन को कैसे प्राइवेट कर सकते हैं? फंक्शंस के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ फंक्शंस को, तो फंक्शन रन हो रहा है मेरा इजीली। और मुझे यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर देती हूँ इंफॉर्मेशन तो मुझे ये प्रिंट करके देगा। रन करेंगे तो मैंने पासवर्ड को दिया हुआ है ओनली, तो ये मुझे पासवर्ड प्रिंट करके दे रहा है। मतलब मेरा फंक्शन रन हो रहा है तभी मुझे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर मुझे अपने फंक्शन को ही प्राइवेट करना है तो मैं अपने फंक्शन को प्राइवेट कर सकती हूँ डबल अंडरस्कोर की हेल्प से। सेम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन के नेम पे आगे डबल अंडरस्कोर लगा दिया बस। अब ये क्लास के अंदर अगर आप डबल अंडरस्कोर यूज कर रहे हो तो वो एनकैप्सुलेशन का मेथड समझा जाता है। कहीं भी यूज कर सकते हो, फंक्शन को प्राइवेट बना सकते हो, एक एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना सकते हो डबल अंडरस्कोर की हेल्प से।
मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये फंक्शन मेरा क्या हो चुका है, प्राइवेट हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये बोल रहा है कि लॉगिन के अंदर फंक्शन नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। अब शायद ये डबल अंडरस्कोर के नाम से है, सीधे डबल अंडरस्कोर हो तो डबल अंडरस्कोर लगा दूंगी तो भी ये मेरा प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है ना डबल अंडरस्कोर एक वेरिएबल नहीं समझा जा रहा है, ये आपका प्राइवेट कर रहा है फंक्शन को, तो ये प्राइवेट करने का मेथड समझा जा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट करना है डबल अंडरस्कोर की हेल्प से आप उस इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल अंडरस्कोर INIT ले लिया है। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कॉल कराना। तो यहाँ पे हमको जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये अपने आप ही इसके अंदर के रिजल्ट मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो अभी देखिए मैंने अंदर इसको प्रिंट कर रही हूँ, अगर अंदर प्रिंट करूंगी तो रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर बाहर से प्रिंट करना चाहती हूँ, अभी मैंने अंदर कुछ नहीं दिया तो मुझे रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं बाहर से प्रिंट कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो अभी इनको यूजर नेम को मैं नॉन प्राइवेट कर देती हूँ और पासवर्ड मेरा प्राइवेट है। तो हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे ए डॉट, देख सकते हो यूजर नेम मुझे देखने को मिल रहा है। मैं इसको रन करूंगी तो मेरा यूजर नेम रन हो पा रहा है, लेकिन वही पासवर्ड को रन करने जाऊंगी तो पासवर्ड मेरा एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासवर्ड क्या है मेरा प्राइवेट है। डबल अंडरस्कोर लिखोगे तो भी प्राइवेट नहीं हो पाएगा, जो इंफॉर्मेशन आपकी प्राइवेट हो जाएगी वो आपकी बाहर से एक्सेस नहीं हो सकती है।